तो मैं ये कह रही थी कि ये जो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक वो हमारा पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है। पांच तरीके के हमारी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसमें से पार्टनरशिप हमारा सेकंड तरीके का होता है। पहला सोल प्रोप्राइटर, दूसरा पार्टनरशिप, तीसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, चौथा कंपनी और पांचवा ये सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आप पहले में हम कुछ इसके बारे में डिस्कस करें, आपने जनरली बताओ पार्टनरशिप क्या होता है, बताओ। हाँ वेरी गुड। टीम में ग्रुप बना के जो आपका बिजनेस होता है वो हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए आपका, कितने लोगों को मिला के पार्टनरशिप हो बनती है कम से कम? हाँ मिनिमम कितना होता है? 5-6 हो तो ठीक है, बट कम से कम कितना होता है? तो मिनिमम दो लोगों से पार्टनर्स बनते हैं, मतलब आप और मैं यार साथ में मिलकर बढ़ जाए तो मिनिमम वो हमारे पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं। पार्टनरशिप को मैं पार्टनर, वरना एक होगा तो सोल प्रोप्राइटर ही होगा। पार्टनरशिप को बनने के लिए कम से कम दो मेंबर्स चाहिए होते हैं, और ऊपर कितने लोग? वैसे मिनिमम तो दो होते हैं, वैसे आजकल तो लिमिट है, वैसे मैं मेनली सात होते हैं, दो और सात, लेकिन वैसे आपका कोई भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जो मेन मिनिमम पार्टनर्स होते हैं वो दो होते हैं। पार्टनरशिप में दो पार्टनर साथ में आके काम करते हैं, और किस चीज के लिए काम करते हैं? प्रॉफिट के लिए, कि भाई मुझे प्रॉफिट अर्न हो जाए, और आई कैन अर्न सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कुछ अमाउंट का प्रॉफिट मुझे अर्न हो जाए, इसलिए काम करते हैं। इतनी बात समझ गए? और जो प्रॉफिट होता है वो या तो 50-50 कर लेते हैं, इक्वली बांट लेते हैं, या वो आपका किसी रेशियो में बांटते हैं, जैसे 3:2। आगे जैसे आपने देखा होगा वो 12th के बच्चे पढ़ते हैं, तो पार्टनरशिप आपके अकाउंट्स में एक बहुत बड़ी बुक है। अभी तो आपके एक छोटा सा टॉपिक है अकाउंटेंसी में, फुल इसके न्यूमेरिकल है, तो इसको थोड़ा बेस समझ लेना अभी। जो 12th में इसके प्योर पूरे न्यूमेरिकल से पूरी बुक है। तो पार्टनरशिप के चलो पढ़ो, दो पॉइंट पढ़ो पहले। हाँ पार्टनरशिप हमारा एक फॉर्म ऑफ, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है। पार्टनरशिप हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा रन की जाती है। जैसे कंपनी का एक लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013, मैं आपको बताऊंगी, आप याद करना, 1 मार्क्स से कई बार एमसीक्यू में आ जाता है। पार्टनरशिप जो हमारी चलती है वो हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक चलती है, या के अनुसार चलती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पढ़ो, दो पॉइंट पढ़ लो। मतलब जैसे नाम ही हमें बताता है, पार्टनरशिप जो हमारी होती है वो पार्टनर्स के अनुसार चलती है, के अकॉर्डिंग चलती है। और कम से कम जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म को बनाने के लिए वो होते हैं दो। दो से कम पार्टनरशिप नहीं होता, दो से कम एक होता है, और एक हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। क्लियर? आप दोनों पॉइंट पढ़ लेना बचेगी। पार्टनरशिप पार्टनरशिप की कोई डेफिनेशन पूछे तो ये एक हमारा रिलेशन होता है जो दो या दो से ज्यादा पर्सन के साथ होता है, जो साथ में आते हैं, काम करते हैं, टीम बनकर काम करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए, ये कॉमन लक्ष्य को पाने के लिए, और वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस या तो इक्वली बच जाते, 50 हजार प्रॉफिट है 25 तेरे 25 मेरे,
50,000 का लॉस हुआ, 25 तू देगा 25 मैं दूंगी, या तो इक्वली 50-50 बटता है। वरना एज स्टेटेड बिफोर, मतलब जब पार्टनरशिप बनती है तो पहले ना रेशियो डिवाइड कर दिया जाता है कि भाई 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तू थोड़ी कम पोस्ट पे, तू एडुकेटेड भी नहीं है, तू इंटेलिजेंट भी नहीं है, तेरी स्किल्स भी नहीं, तू 10,000 लेगा, मैं 40,000 लूंगा। अगर तुमने ऐसा करना है तो तुम्हें पहले बताना होगा, तुम पार्टनरशिप के बनने के बाद नहीं बता सकते। अगर तुम्हें अपना प्रॉफिट इक्वली या कम या ज्यादा किसी और रेशियो में बंटवाना है तो तुम उसके बारे में पहले ही बताओगे, बाद में नहीं बता सकते। क्लियर? ओके।